श्री वेंकटेश जी को तब से जानती हूँ जब मैंने बॉम्बे में कदम रखा था. आई गेस मेरा पहला इंटरव्यू आज से 10 साल पहले ज्योति सर ने लिया था एंड आई नो हिम सिंस देन, जब मैं इस इंडस्ट्री में पैदा हुई थी. सो फॉर मी इट्स अ वेरी प्राउड एंड हैप्पी मोमेंट बिकॉज किसी को ग्रो करते हुए देखना और उनकी मेहनत सफल होते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है. एंड ही इज़ अ हार्ड वर्किंग गाय, वी ऑल नो दैट. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट वी हैव इन आवर इंडस्ट्री. एंड रही बात सिनेवेस्टर मैगजीन के पहले साल पूरा करने के बाद ये जो अवार्ड है वो अनवील हो रहा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई गेस मैंने सुना है कि इट हैज़ रियल डायमंड्स एंड दैट स्टार्टेड. सो जो भी ये अवार्ड लेके जाएगा, आई होप कभी ना कभी मुझे भी मिले, एटलीस्ट अवार्ड के साथ साथ एक डायमंड रिंग भी बन जाएगा. सी बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी तो हमने सिर्फ सेकंड शेड्यूल पूरा किया है. एक बहुत अहम भूमिका निभा रही हूँ मैं पिक्चर में, बहुत बड़ा स्टार कास्ट है. नरगिस फाकरी मैम है, संजय सर है, राहुल देव सर है जो कि बहुत ही अमेजिंग किरदार निभा रहे हैं, और मैं हूँ. सो मेरे लिए हिंदी सिनेमा का पहला मौका है. आई डेंट थिंक कि मुझे लीड करना चाहिए नहीं करना चाहिए बिकॉज मैं संजय सर की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ. सो आई डेंट माइंड प्लेइंग दिस इम्पॉर्टेंट रोल. बहुत ही हटके फिल्म है, मैं बोलूँगी जब पिक्चर बन के आएगी आप लोगों को अच्छा लगेगा. और मेन किरदार पिक्चर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेन लीड है. अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज हम कुछ अमेजिंग और एक्सट्रीम लोकेशंस पे शूट कर रहे थे किर्गिस्तान में, जहाँ पे दिन के टाइम में टेम्परेचर 28 डिग्री होता था और शाम को -10. कई बार तो सेट्स भी उड़ गए थे हमारे, बट ओवरऑल वी हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल शेड्यूल टू गो ऑन फ्लोर. थैंक यू. ओके, अच्छा सवाल कौन पूछ रहे हैं? अच्छा आप पूछ रहे हैं. सबसे पहले तो सिनेबस्टर को पहली एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो अवार्ड्स की अनवेलिंग है उसके लिए मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ. पहले देख लूँ कितना खूबसूरत है, कैसा है, और उम्मीद करूँ कि बहुत जल्द हमारे हिस्से में बटोर के हम ले आएँ. ऐसे तो बड़ा खूबसूरत है, ज़रा नज़दीक से देखेंगे तो और अच्छा लगेगा. हाथों में देख करके ज़्यादा मज़ा आएगा. इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी अभी शूटिंग ख़त्म हुई है और अभी बोलने की इजाज़त नहीं है, तो मेरे ख्याल से इंतज़ार करना चाहिए, फिर बता दें. यू वही तो कह रही हूँ, एक महीना और इंतज़ार कीजिए, आपको पता चल जाएगा. सब कुछ होगा. थैंक यू. हाँ जी पाजी, या सिनेबस्टर, ये मैगजीन एक साल की हो गई है, उसका जन्मदिन उनको बहुत बहुत मुबारक हो. और हमारे बहुत सारे पुराने साथी उसके साथ जुड़े हुए हैं. अब मैं सुना उसे हिंदी में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हिंदी में भी उनको बहुत सारी शुभकामनाएं. ऑफिशियली, अच्छा ऑफिशियली. देखिए, सबसे अच्छी बात है कि अवार्ड किसी तरह की भी बने, लेकिन जिस तरह एक्टरों को एक जगह पानी पड़ती है अवार्ड पाने के लिए, इसी तरह आज के दिन में जो लोग अवार्ड दे रहे हैं उनको भी एक जगह बनानी पड़ेगी, ताकि लोग उस अवार्ड की इज्जत कर सकें. तो मैंने जो सुना है कि मराठी में जो अवार्ड इनके बना रहे हैं, उसमें शायद एक ख़ास किस्म की ट्रॉफी बनाई जाएगी जिसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर का कवर रहेगा. तो मेरे हिसाब से सिल्वर गोल्ड का कवर ना भी रहे तो अवार्ड ही होता है, और अवार्ड उसके लिए मिलता है कि आपकी जो मेहनत होती है उसको लोग पसंद करते हैं और उसे उस हिसाब से अवार्ड दिया जाता है. तो मेरी फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को, और अवार्ड के लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं. ये मेरा बेटा है, इसका नाम राघव ऋषि है,
तो इसकी तरफ से भी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कहाँ है तू? हाँ और खुशी होती है, सूर्यवंशम और आईपीएल को आपस में जोड़ दिया है, तो जिस तरह आईपीएल पॉपुलर है इसी तरह सूर्यवंशम भी पॉपुलर है, तो हर साल आप देखिए उसको भी खुशी है इस बात की कि एक फिल्म जो है लोग पसंद करते हैं तो ही रिपीट होती है। मुझे नहीं लगता कि बिना किसी बात के रिपीट करते होंगे। एक और फिल्म है मेरी साउथ की, चिरंजीवी साहब की इंदिरा, वो भी बहुत बार रिपीट होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पसंद करते हैं लोग इसलिए रिपीट होती है। तो उन सबको जो पसंद करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं हिंदी में तो नहीं, तेलुगु में एक फिल्म कर रहा हूँ जो चिरंजीवी साहब के साथ में है, उसमें अमित जी ने एक रोल किया है और मैं भी उस फिल्म को कर रहा हूँ। तो अगर आपने पूछा है तो ये एक खुशी की बात है मेरे लिए। अब मुझे नहीं, मेरा शायद उनके साथ काम ना हो, लेकिन खुशी है इस बात की कि अमित जी भी उस फिल्म में है। तो आफ्टर काफ़ी सालों के बाद एक कोई ऐसी फिल्म जिसमें अमित जी भी हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। और कुछ पाजी? थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। यहाँ बुलाया और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इस प्रोग्राम के लिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू। मैगजीन तो बहुत अच्छी है, मैगजीन बहुत अच्छी है, हम कभी कभी पढ़ते भी हैं, वेरी गुड मैगजीन सर, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये मैगजीन दिन दूनी रात चौनी तरक्की करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। We want to give something special, so that's why it's created in such a manner. It's totally hallmark gold. Yeah. I want to create a history, na. That's why I'm giving it for the first time. This never been done in any of the Indian. It is a what do you call it? First time ever a history in the Indian cinema that. The award which has been crafted in Hallmark Gold and VVL Diamond, started with VVL Diamond. First we are coming up with the Marathi and later on we'll be coming for the Bollywood. So it is for the, yeah. We have completed, this is our first anniversary. We have completed 1 year and we are coming up with the Hindi edition. And today we'll launch the Hindi edition, plus we'll unveil the trophy, which will be having the certificate also. So it is, what the purity the trophy contained. Yeah. Yeah, they'll be getting the certificate too. Yeah, because it should sound a value, na. If they're working so hard for this thing, so it should sound value, what they achieve. It kept on changing. Earlier it was just a normal trophy. Then went there, then I've seen, then I've instead only to make for gold, with gold. So after, then again it was been changed, then I've put with studded VVS diamond. I've studded the upper side, it is studded in VVS diamond. It is all our teamwork and plus it is all the blessings of all the readers, because today we are on this position, because what we are giving is this superior quality at affordable price.
That is the main thing. Everybody knows he's a most senior editor. Since 40 years he's in the industry. And what about Munde ji? Everybody is it is a teamwork only. It is not a single person work, it is a teamwork. नए मैगजीन को बड़े लेवल में लेके जाना बच्चा पैदा करने से भी मुश्किल है, क्योंकि एक साल हम लोग जुड़े थे ना, एक साल पहले लॉन्च हुआ था हिंदी एडिशन, आज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, वैसे ही आज हिंदी एडिशन लॉन्च हो रही है जो इंशाल्लाह कई एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे बाद में, लेकिन उनके अलावा आज हम अनाउंस घोषणा भी करने वाले मराठी फिल्म अवार्ड के बारे में, जो सिनेमा और टीवी दोनों के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले फ्रॉम अक्टूबर दिस ईयर. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक. सर 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 आइए सारू कम. सर क्या कहना चाहेंगे, आज सिनेमास्टर मैगजीन का वन ईयर कंप्लीट हुआ है और ट्रॉफी लॉन्च है, साथ ही में हिंदी एडिशन का इन लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं. I can say when I was here, when the launch was happening, I already actually predicted it. I like to congratulate Ronny ji, ke aaj trophy launch hone wali hai, wo bhi real diamond and gold. And I feel ke maine bhi waisi trophy ban ke hi aayi hu main. You can see me. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्रॉफी देखने के लिए, स्पेशली डायमंड लगे हुए, मुझे कुछ मिले ना मिले ट्रॉफी दे देना. आई कैन पुट मोर डायमंड, यू कैन सी दिस. एंड आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट के अपनी सिने बस्टर पहले इंग्लिश में पहले थी लॉन्च, अब हिंदी में हो रही है, राइट? या वी आर कंप्लीटिंग वन ईयर टू, या एंड एक साल कंप्लीट हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई. मैं आज ट्रॉफी बन के आई हूँ. या थैंक यू. मैं कभी कभी की हीरोइन हूँ. कभी कभी हीरोइन लगती हूँ, कभी कभी की नहीं. एक्चुअली रॉनी जी एंड जितने भी यहाँ पे मीडिया के लोग हैं उनको मैं बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेट करने और ट्रॉफी, स्पेशली ट्रॉफी देखने आई हूँ. एंड बहुत एक्साइटेड हूँ एंड मैं बेस्ट विशेस कहना चाह रही हूँ. फैंटास्टिक संजू का ट्रेलर बहुत ही फैंटास्टिक है, सुपर सुपर डुपर हिट. संजू बाबा बोले तो यू नो इट्स अमेजिंग हिट जाने वाली है फिल्म. ओके अगर मुझ पर बायोपिक बने तो ऑफ कोर्स विद्या बालन. प्रियंका भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है. तो अगर मुझ पर बायोपिक बने तो, क्योंकि उसमें बहुत सारा उलाला होगा ना, इसीलिए तो मेन मेरे बायोपिक में बहुत सारा उलाला भी दिखाना पड़ेगा एंड उलाला भी होगा, क्योंकि मेरी करियर स्टार्ट ही हुआ है उलाला से. नहीं ऐसा नहीं है, बट उन्होंने उस टाइप की फिल्म करी है ना, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बोल्ड जो सब्जेक्ट है, जैसे करीना भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट विद्या बालन जी बहुत अच्छा करेगी. जी बिल्कुल, मैंने सनी लियोनी जी से माफ़ी मांगी है एक बहुत बड़े चैनल पे, बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो टैलेंट उनमें है, जो वो कर सकते हैं, मुझ में टैलेंट वो नहीं है, और जो टैलेंट मुझ में है वो नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अननेसेसरी आई शुड नॉट टॉक अबाउट हर, बट एनी वेज टूडे ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट हर बिकॉज ऑफ यू गाइज. देखिए वो तो आप ही जज कीजिए.
देखिए वो तो आप ही जज कीजिए उनके पास। देखिए अगर उनका टैलेंट आपको देखना तो आप यूट्यूब में जाके देखिए, ऑन गूगल स्पेशली, तो आपको उनका वो टैलेंट देखने मिल जाए। हमारी वो लक्ष्मण रेखा है, मैं वो टैलेंट नहीं कर सकती इंडिया में। देखो बैटिंग तो करनी चाहिए हर किसी को, उसमें क्या है, करने में क्या प्रॉब्लम है। देखो दाऊद को फ़ायदा हुआ नहीं, हम मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा होने दो। ऐसे भी सबके पैसे जो है गायब हो गए बैंक से, अकाउंट से, तो बैटिंग करें या चैटिंग करें, कुछ भी करें बट करें, दैट्स इट, कुछ तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि सट्टाबाजी तो हर जगह चलती है और चलने देनी चाहिए। कोई किसी, अब मैं कितना भी कुछ बोलूँ, नहीं होना चाहिए, आप किसी को रोक नहीं सकते। तो अरबाज जी ने, इन्होंने जो किया सही किया है, होना चाहिए। विंदू जी ने भी किया था, मुझे मौका मिलेगा मैं भी सट्टेबाजी करूँगी। थैंक यू। सबसे पहले मैं एक साल पूरा होने पे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मुझे ये पता चला कि रियल डायमंड एंड गोल्ड की ट्रॉफीज़ जो मिलने वाली है, फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ, अब मुझे आज तक नहीं मिली, तो ये बहुत ही, मैं जिनको ट्रॉफी मिलने वाली है उनको मैं अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। और जो नई मैगजीन आज लॉन्च हो रही है उसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ सीने बस्टर के लिए, जो कि हिंदी मैगजीन है, तो पूरी टीम को मैं तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ। थैंक यू। जी, सीने बस्टर इंग्लिश को एक साल पूरे होने के लिए बहुत 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 बधाई, और उसी के साथ साथ ये जो मैगज़ीन हिंदी में लॉन्च हो रही है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतना ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये हमारी साउथ की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में बनती हैं, तो उन लैंग्वेजेस में भी होना चाहिए, उनमें भी अगर होगा तो उसके लिए भी अभी से मैं एडवांस में अपनी बेस्ट विशेस, अपनी सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। Beautiful. Yep. It's loads and loads of yeah. Congratulations to the magazine, especially for the trophy. We would definitely. Which is in gold, I've heard. Yeah, the trophy is in gold. Or also, I want to congratulate all of you for the success, and especially because ये हिंदी में है, तो जो हमारी reach है, audience जो हमारी Indian audience है, English तो सभी जानते ही हैं, लेकिन हिंदी की reach बहुत ज़्यादा है, interiors में भी है, हर जगह है. So that's a very big achievement, for sure. मेरा नाम तो मुझे भी नहीं मालूम है। शिवारिंदानी। People know me as Captain Zadak and people know me as Vicky Malhotra. We are here at the party to grace this occasion, and I think this is a very good move as far as the awards are concerned and projects are concerned. I think it should happen again and again, and people should be given so much opportunity to get award and to prove their talents.
What about you? Award बहुत ज़रूरी है, necessity है हर एक इंसान के लिए जो अपना काम करता है, और काम के बाद में उसको एक सराहना मिलती है, जो नाम मिलता है, जो अवार्ड के रूप में मिलता है, तो उसको एक अंदर से हिम्मत बढ़ती है और ऐसा लगता है कि भैया ये मुझे बार बार इतना अच्छा काम करना है, तो वो एक प्रोत्साहन जो मिलता है आदमी को काम करने के लिए, तो और अच्छा काम करता है इंसान. तो ये बहुत ज़रूरी है, एक बहुत अच्छा काम इन्होंने शुरू किया है. वेरी नाइस, आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एज वेल. और हम बार बार, हाँ, आई जस्ट सेड कि एक ट्रॉफी एक अवार्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से कोई नहीं. अवार्ड चाहे वो पब्लिक के रूप में हो, चाहे एक ट्रॉफी के रूप में हो, लेकिन एक इंसान को जान पहचान मिलना बहुत ज़रूरी है, वो अवार्ड के थ्रू मिलती है. वो बेसिकली अवार्ड एक आर्टिस्ट के लिए हौसला अफजाई है. अगर अवार्ड मिलता है तो और उससे भी बेहतर करने की कोशिश करता है. आई थिंक ये अप्रिसिएशन एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है. आई थिंक एवरीबडी शुड गेट, चाहे वो छोटा एक्टर हो या छोटा आर्टिस्ट हो या बड़ा एक्टर हो, एवरीबडी शुड गेट एंड इट्स अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन. हम दोनों का अपकमिंग प्रोजेक्ट में मतलब एज एन एक्टर, एज एन एक्टर पूछ रहे हैं, एज एन एक्टर. अच्छा, एज एन एक्टर मेरी एक फिल्म मैंने की है, वो ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हुई है, कुछ एक दो दिन का काम बाकी है. फिल्म का नाम है गॉन केश. गॉन इज़ इंग्लिश, केश इज़ इन हिंदी, केश मतलब पार. गॉन केश करके बहुत ही अच्छी एलोपेशिया पे कहानी है फिल्म में, बट दैट आई हैव जस्ट कंप्लीटेड. तो वो एक फिल्म है, और एक फिल्म अभी शुरू होने वाली है मेरी जो शायद सितंबर में शुरू हो, तो वो हम कर रहे हैं. और बाकी एज ए डायरेक्टर हमारा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, या बैक टू बैक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. एंड वी बोथ आर डायरेक्टिंग अ फिल्म टुगेदर वेरी सून इन टू मंथ्स टाइम. एक फिल्म ने डायरेक्ट किया, बाकी एक और किया. बाकी एज एन एक्टर थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग, तो पिन पॉइंट नहीं रखते ये फिल्म भी आ रही है, बिकॉज फिल्म बनती है लेकिन कब रिलीज होती है गॉड नोज और द प्रोड्यूसर नोज. So we just, we are an actor, we keep on acting, personally and on screen as well. Thank you. देखो, अपने आप में बड़ी बात है. आज राष्ट्रभाषा पर सोचना अपने आप में बहुत ज़रूरी था, और जिस तरीके से इन्होंने इसको आगे लिया, अमेजिंग. ट्रस्ट मी, आज हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी है. हिंदी का अगर महत्व यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा. इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव. कुडोस टू देम एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू देम. थैंक यू सो मच. आई थिंक अवार्ड्स सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली अप्रिसिएशन मिलता है. अगर आपको कोई अवार्ड मिलता है, इट मीन्स दैट यू आर अप्रिशिएटेड फ्रॉम नॉर्मल पीपल. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड बिग ऑनर टू गेट एन अवार्ड. थैंक यू सो मच. आने से दिल बहलता है मेरा, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से. और मैं डरता हूँ इसके बाप के आ जाने से. राखी, आपने बहुत अच्छा डांस किया, जोरदार ताली बजाइए. राखी सावंत डांस कर रही है यार. राखी सावंत ने अपना खुद का स्वयंवर रचाया था, पता है आपको? जावेद साहब भी कहते, बता दूं भाई? देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है, सही चीज़ हो तो जावेद मियाँ दाद देंगे, सही चीज़ हो तो जावेद मियाँ दाद देंगे, और गलत चीज़ हो तो जावेद मियाँ डांट देंगे. ये तरीका यकीन मानना, मुझे आपसे निकाह की हसरत है. तो जब घर में ना हो शबाना, जब घर में ना हो शबाना, दुल्हन बन के तबाना. बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लाफ्टर से पता चल रहा है आप लोग कॉमेडी बहुत इंजॉय करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Ladies and gentlemen, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. और very warm welcome, sir.
Sir, very, very warm welcome. Everybody is very excited to see you. कुछ शब्द कहना चाहेंगे आप इन लोगों से? आप दोनों के लिए. First of all, thank you, everybody, for joining us at our first anniversary. What we are keeping. Secondly, we are coming up with the Hindi edition. And the magazine which we are providing is of the superior quality at the affordable price. That is the main motto. And the third thing, what today it would be unveiled is the Cinebuster Cine Award 2018. For what we have come across, with a different idea that none of the industry has thought to do such thing. So basically the trophy is crafted with hallmark gold, studded with VVS diamond, and it is having a unique itself. So the person who is receiving the award, it is having both a worth a value. That was my opinion. I required all your support's blessing so we can come forward. Thank you so much, sir. And tonight we would like to welcome the team jinka haath hai is behtareen magazine ke piche. Ek saal tak inhone mehnat ki hai. And today we are here seeing this lovely day. So ladies and gentlemen, please put your hands together as I invite the directors, Mrs. Cinderella Alfonso, Mr. Dennis Rodriston, editor, Mrs. Devyani. Art director, Mr. Viral Srimankar. Layout designer, Mr. Ashwin. We'd also like to welcome the marketing and sales team, Mr. Anand Yadav, Mr. Chandra Kishore, Mr. Sanjay Pindare, and the photographers, Mr. Ramakant Mude, Mr. B.K. Tambre. Contributing columnist, Mr. Shaheen Raj, Ms. Susanna Alfonso, Mr. Chaitanya Parukon, and also the back-end office, Ms. Megha Rao, Ms. Priyali Sawant, Ms. Humaira Sheikh, Mr. Imran Sayyad, Mr. Mangesh Kohinkar, and Mr. Habib Sayyad. आज से एक साल पहले, तकरीबन एक साल पहले जब सिनेबस्टर्स का लॉन्च हुआ, तो आप में से कई लोग यहाँ पर मौजूद थे। It's all thanks to these wonderful people. ज्योति जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे इस सफर के बारे में, आज के इस प्रोग्राम के बारे में। बहुत ही विस्मरणीय सफर है एक साल से। रॉनी जी कुछ डेढ़ साल पहले मुझे बुलाया था, तब तक एक मैगजीन था ब्लॉकबस्टर, वो बंद हो गया था। तो उन ब्लॉकबस्टर मैगजीन के लिए रॉनी का इंटरव्यू करने गया था, तब से जान पहचान हो गई हमारी। जब ब्लॉकबस्टर बंद हो गई तो रॉनी का फ़ोन आया था कि आके मिलो। मैं बोला क्या काम है? बोला काम बोला नहीं तो आओगे नहीं क्या? मैं बोला आ जाता हूँ। जाके मिला तो ही सेड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट दिस इंग्लिश फोर्टनाइटली एंड आई वांट यू टू एडिट द मैगजीन। हाँ कह दिया, लेकिन बाद में इतना प्रॉब्लम, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम लगा, तो आफ्टर 3-4 मंथ्स द आइडिया वॉज पोस्टपोन्ड। तो मैं बहुत मायूस हो गया कि एक मौका मिला वो भी पोस्टपोन हो गया। लेकिन याद करके लास्ट ईयर एग्जैक्टली दिस मंथ जून ही कॉल्ड मी 2 मंथ्स इन एडवांस एंड सर हम लोग एज प्लान वील कम आउट विद द मैगजीन ऑन जून 9th and exactly we came up on June 9th the copy with a great party in the same venue Novotel us waqt bhi. Lekin I'll tell you ek magazine bring out karne mein jo takleef hai, it is no less than producing a baby. So jitna labor pain mother ko hoti hai, utna hi publisher aur editor ko hota hai labor pain in the bringing of the magazine. And jitna zyada appreciation mila utna criticism bhi
मिलता था, क्रिटिसिज्म को टॉनिक ये सोच के हम अपनाते हैं, और आज मुझे गर्व महसूस होता है कि सिनेबस्टर फैमिली में एक एडिशनल मेंबर यानी हिंदी एडिशन ऑफ सिनेबस्टर भी आज लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा जैसे रॉनी जी ने कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अवार्ड्स इन आवर कंट्री वी आर इंस्टीट्यूटिंग ए वेरी स्पेशल अवार्ड, जिनके बारे में इन्होंने कहा कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स आर वुडन अवार्ड्स और ब्रॉन्ज, लेकिन यहाँ तो डायमंड स्टडेड गोल्ड एंड डायमंड स्टडेड अवार्ड है, जिसको पाने के लिए हर एक्टर एक्ट्रेस सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर खुश हो गए। इनिशियली वी आर बिगिनिंग विद मराठी सिनेमा एंड टेलीविजन एंड बाद में वी आर प्लान्स टू एक्सपैंड इट टू हिंदी ऑल्सो। Well, thank you so much, sir. And the moment we all have been waiting for, jis pal ka hum sabko intezar tha, wo pal aa chuka hai. And before we go ahead and launch the magazine, I request the entire team to please step down. And Jyoti ji aur Ronny sir, aap stage par bane rahe hamare saath. And we'd like to clap for the entire team one more time. Ek baar aur zordar taaliyan ho jaye for all their hard work, all their dedication and their effort. With that, ladies and gentlemen, हम सुन ही रहे हैं हिंदी मैगजीन आज लॉन्च होने वाली है, तो चलिए जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ गया है। एंड टू लॉन्च दिस मैगजीन आई'd लाइक टू वेलकम अ वेरी सक्सेसफुल एंड पॉपुलर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मिस्टर मेहुल कुमार, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें प्लीज एवरीबॉडी। वेलकम सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, एक साल की जबरदस्त सक्सेस सिनेबस्टर्स की, इंग्लिश में आप लोगों ने बहुत सराहा, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने, हमारी बॉलीवुड फेटर्निटी ने इसको बहुत सराहा, इसीलिए हम सब आज यहाँ मौजूद हैं। आम जनता ने भी बहुत पसंद किया, और जैसा कि माना जाता है कि हिंदी के बहुत सारे पाठक हमारे देश में हैं बहुत ज़्यादा, और बॉलीवुड के लवर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आज हम सब मिलकर इस Come on, Nine. Everybody. Let's count together. Come on, everybody. Let's count. 10, 9, 8, 7. Everybody, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come on, make some noise. Presenting to everybody. You, Cinebuster of Hindi mein bhi. Everybody, come on. Throw your hands up in the air. Dono haath upar karke. Cinebuster Hindi Pratisthapna Ank with Cinebuster Cine Award 2018 Film and Television Marathi. Come on, इस बात के लिए जोरदार ताली, we need some more energy. Come on everybody, put your hands up. के साथ तालियां चलती रहे अभिमान। Cinebusters Hindi Magazine launching. What a great moment for all of us. फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारे सबके लिए एक बहुत ही कमाल का मोमेंट आपके सामने। कम ऑन, एक बार फिर से थोड़ी सी एनर्जी, मेक सम नॉइज। ओपन द क्लब एंड गेट शिट क्रैकिंग। Many congratulations to the entire Cinebuster Parivar. And sir, thank you for joining us. Kuch shabd kehna chahenge aap? Meri dil se shubhkamna hai. Ek achha magazine, jo matlab aaj ek naye saal mein pravesh kar raha hai, aur saath saath mein phir naya opening bhi ho raha hai. To definite, aaj ke time mein magazine chalana bahut mushkil hai. Lekin successful magazine hua hai. और मेरी शुभकामना है आगे भी सक्सेस मिले, अवार्ड्स को भी सक्सेस मिले। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। जो भी बोलना है मेहुल जी ने बराबर बोल दिया,
इट्स नॉट ए ईजी जॉब एक मैगजीन लॉन्च करना. लॉन्च करना आसान है, बहुत सारे मैगजीन्स लॉन्च हो जाते हैं, लेकिन उसको बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल है हमारी आजकल के सोसाइटी में, जहाँ प्रिंट मैगजीन इस धीरे धीरे इट इज़ ऑन द वे आउट. लेकिन ऐसे टाइम में एक प्रिंट मैगजीन को नॉट ओनली कंटिन्यू करना इंग्लिश वर्शन, उसके बाद हिंदी एडिशन भी लॉन्च करना, ये काबिले तारीफ है. ऑल द क्रेडिट गोज टू मिस्टर रॉनी रॉड्रिक्स. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा. Well, yes, एक फोटो तो बनता है बिल्कुल. एंड टुडे दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल डे. आज यहाँ हिंदी मैगजीन हमने लॉन्च की है, बट टुनाइट वी ऑल्सो हैव वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. सब इस अवार्ड को देखना चाहते हैं, सबके मन में एक सवाल है, ये अवार्ड के बारे में इतनी बातें हो रही है, अवार्ड दिखता कैसे है, गोल्ड का अवार्ड है, डायमंड स्टडेड है, तो इसी के साथ देखना चाहते हैं, थोड़ा और शोर मचना चाहिए. यस ऑर नो विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन टू अनवील सिने बस्टर्स सिने अवार्ड 2018 जो कि 6 अक्टूबर को हेल्ड होने वाला है, 6 अक्टूबर को होने वाला है. उसके लिए जैसा कि आपने सुना, ट्रॉफी कुछ कमाल की होने वाली है, यूनिक होने वाली है, नई होने वाली है, जिसको देखकर कोई भी एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर वो ट्रॉफी को अपने हाथों में लेना चाहेगा. वो ट्रॉफी एक्चुअली दिखती कैसी है वो हम आपके सामने दिखाने वाले हैं. लेट्स गेट रेडी टू अनवील दिस ब्यूटीफुल ट्रॉफी, एक अलग हटके यूनिक ट्रॉफी दैट नेवर द एंटायर इंडस्ट्री हैज सीन. लेट्स गेट रेडी टू अनवील विद राखी जी एवरीवन. और वो ट्रॉफी यहां नहीं दोस्तों, यहां से आपके सामने रिवील होगी. बट बिफोर दैट I want everybody to make some noise for the trophy. Come on, everybody! Everybody! सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड आई एम श्योर ये ट्रॉफी देखकर सबके चेहरे पर बहुत ही बड़ी मुस्कुराहट आ गई है. आई कैन सी दैट स्माइल ऑन योर फेस. वेल राखी जी, आप खुद ही ट्रॉफी, तो आपका क्या कहना है इस ट्रॉफी के बारे में? व्हाट वुड यू लाइक टू से? वेल यस राखी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन. और रॉडनी जी, ज्योति जी,